फर्स्ट रिएक्शन क्या रहेगा आपको, अमेठी से टिकट अनाउंस किया गया है? नहीं, ये तो मैं खड़गे जी का, सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्हें मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जो उनकी पारिवारिक सीट है उसकी जिम्मेवारी मेरे को दिया है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि यहाँ मेहनत करूँ। मैं यहाँ 40 साल से इस क्षेत्र की सेवा कर रहा हूँ। 1983 में यहाँ आया था एज ए यूथ कांग्रेस की तरफ से, मेरी ड्यूटी लगी थी वहाँ पे, तो उसके बाद से मैं कंटिन्यू यहाँ पे कर रहा हूँ। मैं राजीव जी के साथ अपना कैरियर शुरू किया था 1983 में। राजीव जी मेरे को लेके आए थे यहाँ पे, तो उसके बाद फिर ऐसे हालात बनते गए कि मैं यहीं का यहीं रह गया। तो हमने सोनिया जी के सारे इलेक्शन लड़ाए, राजीव जी का सिर्फ 81 का छोड़ दो, उसके बाद के सारे इलेक्शन लड़ाए। ये कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी यहाँ से उम्मीदवार हो सकते हैं, उनके जगह पर आपको उम्मीदवार बनाया गया। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी रण छोड़ करके भाग रहे हैं रायबरेली। ऐसा नहीं, राहुल जी रण छोड़ने वाले नहीं है और वो पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, आपकी जीत का मार्जिन क्या रहने वाला है, चूंकि आपने तो इतने जो प्रत्याशी हैं उनको चुनाव लड़वाया है, तो आपके आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? आपने जब बूथ लेवल का मैनेजमेंट देखा है, यहाँ की जनता के ऊपर रहेगा, इसका प्रेडिक्शन कोई भी नहीं कर सकता है।